Hello and welcome to all the viewers out there. Guys, in this video, we are going to discuss condition testing. Guys, condition testing white box testing के अंदर आता है and इसमें हम basically क्या करते हैं, जो हमारा code है उसमें जितनी भी conditions लिखी होती हैं, उनको check करने के लिए, उनको test करने के लिए test cases develop करते हैं. क्या होता है, जब हम code की testing कर रहे हैं तो कभी कभार कुछ test cases miss हो जाते हैं, जिनकी वजह से कुछ conditions अच्छे से check नहीं हो पाती. तो इसलिए कंडीशन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट किया गया, ताकि इस टेस्टिंग के तहत हम लोग वो सारे टेस्ट केसेस बना लें और उनको अपने कोड को उन टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग टेस्ट कर लें, जिन जो कि हमें हमारे कोड में यूज हुई कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए हेल्प करेंगे. तो गाइज, आपको पता है कि जो कंडीशन होती है, इफ अगर मैं लिखूं तो इफ के अंदर ए इज ग्रेटर देन बी है, तो इसे हम एक एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट? तो कोई भी कंडीशन में एक्सप्रेशन लिखा होता है. अब एक्सप्रेशंस की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, एक होता है सिंपल एक्सप्रेशन और एक होता है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन. वो कंडीशन में कौन सा एक्सप्रेशन लिखा गया है, उसी के बेसिस पे टेस्ट केसेस बनते हैं. अब देखते हैं कि कौन से, इसमें कितने बनेंगे टेस्ट केसेस और इसमें कितने टेस्ट केसेस बनेंगे, आगे अब हम ये सीखते हैं. देखो, सिंपल एक्सप्रेशन की बात करें तो उसमें दो कैटेगरीज आती है, एक है बुलियन एक्सप्रेशन, एक है रिलेशनल एक्सप्रेशन. बुलियन एक्सप्रेशन मतलब कोई ऐसी कंडीशन यहां पर, जैसे इफ ट्रू, तो अब ये आपकी एक बुलियन एक्सप्रेशन बन गया. तो इसके अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने बनेंगे, तो हमेशा एक बुलियन एक्सप्रेशन के मैक्सिमम दो टेस्ट केसेस बन सकते हैं, और हमने दो के दो ही बनाने हैं. एक टेस्ट केस जो कि रिटर्न करेगा ट्रू, और दूसरा जो रिटर्न करेगा फॉल्स. ये तो था बहुत इजी बात. मतलब आज के बाद आपको पता है कि अगर कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो कंडीशन टेस्टिंग में बुलियन एक्सप्रेशन के हमेशा दो टेस्ट केसेस बनेंगे. अब बात करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन की. रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू इक्वल टू. गाइस, जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइडेड है. एक कैटेगरी है ऑर्डर्ड, जिसमें कि हमारे पहले चार ऑर्डर्ड कैटेगरी में, ये पहले चार यूज होते हैं, राइट? तो ये पहले चार आगे ऑर्डर्ड में. और जो नॉट इक्वल टू एंड इक्वल इक्वल टू है, वो अनऑर्डर्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन बनता है. अगर मैं आपसे कहूं इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये आपका ऑर्डर्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन है. लेकिन अगर मैं कहूं ए इक्वल इक्वल टू बी, तो ये अनऑर्डर्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन है. अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस डिफरेंट बनते हैं. देखो क्या है, अगर तो वो एक ऑर्डर्ड एक्सप्रेशन है, ऑर्डर्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो उसके हमेशा तीन टेस्ट केसेस बनेंगे. तीन क्या होंगे? ए ग्रेटर देन बी, A equals equals to B and A less than B. ये तीन हमेशा आपको आज के बाद ये बात दिमाग में रखनी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस में यूज होगी कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड एक्सप्रेशन है तो उसके हमेशा तीन टेस्ट केसेस बनेंगे. अगर मैं बात करूं अनऑर्डर्ड की, तो उसमें यहां पे क्या होगा? A equals equals to B चेक करेगा. हमेशा अनऑर्डर्ड के आपके पास दो टेस्ट केसेस बनेंगे, एक तो यही वाला A equals to B and एक दूसरा बनेगा A not equals to B. हमेशा को ये दो टेस्ट केसेस आपके बनेंगे. एक टेस्ट केस होगा जिसमें कि आप इसको ट्रू कर रहोगे, और दूसरा टेस्ट केस होगा जिसमें कि आप नॉट इक्वल टू बी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको फॉल्स करवा दोगे, राइट? तो आज के बाद आपको ये बात पता है कि एक ऑर्डर्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन में तीन टेस्ट केसेस बनेंगे एंड एक अनऑर्डर्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन के दो टेस्ट केसेस बनेंगे. ये सारी कहानी को यूज करके हम एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का टेस्ट केसेस कितने बनेंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस. ये जो सिंपल एक्सप्रेशंस हैं, विच आर कनेक्टेड बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स. जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आपके एंड और नॉट. तो ये होता है आपके पास तीन सिंपल एक्सप्रेशंस जो कि आपके लॉजिकल ऑपरेटर से कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन. अब एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बन रहे हैं, वो अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है. अब देखो, मैंने अगर आपको एक क्वेश्चन दिया, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए इज लेस देन इक्वल एंड ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो मैं आपको कहूं कि इसके कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बनेंगे, तो इसका भी एक रूल होता है. रूल क्या है? जितने आपने नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस यूज किए हैं वो चेक करो, क्या उनमें ऑर्डर्ड कितने हैं और उसमें अनऑर्डर्ड कितने हैं. अब देखो, मेरे एक्सप्रेशन में दोनों के दोनों ऑर्डर्ड हैं, तो ऑर्डर्ड में एक ऑर्डर्ड में कितने होते हैं टेस्ट केसेस? तीन. तो मतलब यहां पे कितने बनेंगे, क्योंकि ये दो हैं, मैं क्या करूंगा, थ्री की पावर टू.
टू कर दूंगा। एक ऑर्डर टेस्ट केस, एक ऑर्डर एक्सप्रेशन के तीन टेस्ट केसेस बनते हैं। यहां पर मेरे पास दो ऑर्डर सिंपल एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं, तो मतलब उसका क्या आंसर आएगा, 3 to the power 2। और अब मान लो मैंने यहां पर यूज कर लिया होता a equals equals to b and b not equal to c। अब मान लो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें क्या है, ये दोनों मेरे पास आपके अनऑर्डर्ड एक्सप्रेशंस हैं। तो अब इस फाइनल के टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने आएंगे, देखो ये तो इतने ही बनेंगे, 3 to the power 2 इनके तो बन गए, और इसके लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 2, क्योंकि एक अनऑर्डर्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन के दो टेस्ट केसेस होते हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ, यहां पे दो अनऑर्डर्ड एक्सप्रेशंस यूज किए हैं, तो इसलिए 2 to the power 2 आ गया, राइट। यहां पे दो ऑर्डर एक्सप्रेशंस यूज किए थे और एक के तीन बनते टेस्ट केसेस, तो इसलिए 3 to the power 2 आ गया। मतलब हमेशा 3 to the power में कुछ आएगा जितने भी यूज करेंगे, और 2 to the power में जितने भी वहां पे एक्सप्रेशन यूज किए हैं उतनी पावर में आपका एड ऑन हो जाएगा, और उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, उतने आपके पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बनेंगे, और उन टेस्ट केसेस को बना के आप अपनी कंडीशंस को चेक कर सकते हो। इसलिए इस सारे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कंडीशन टेस्टिंग। सो गाइस, आई होप आपको ये कंडीशन टेस्टिंग बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको और भी कोई टेस्टिंग देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग वहां पर समझाई है, तो आप उनको भी वहां जाकर देख सकते हो। मैंने लिंक में भी नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दिए, डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग के मैंने लिंक्स डाल दिए, आप वहां से उनको भी सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच।